So finally, we are here in the hospital. Mm-hmm. And waiting for you, baby. Come soon. It's got it's ready for you. Okay. छोना बाबू मम्मा पास आ जाओ जल्दी से। So this is the first time she's gonna hold and I'm holding for the first time. Welcome to the family. He's looking at you. Hello everyone. Say hello. Say hi. होप ऑल वेल, होप आप लोग सब अच्छे हैं। से हाय बेबी। कल किसका बर्थडे है? बाबू का। ओके, सो मैं क्विकली आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि कल मेरे बेबी का बर्थडे है, 2 इयर्स का होने वाला है कृषिव। और मैं कुछ दिनों से प्लान कर रही थी कि क्या किया जाए, क्या स्पेशल किया जाए, कैसे स्पेशल बनाया जाए इसका बर्थडे। तो मैंने बहुत सोचा और फिर मैंने ये सोचा कि मेरे जो बर्थडेज होते थे बचपन के, वो सबसे स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि स्टिल सेइंग हाय। क्योंकि वहाँ पे जब हम मतलब बचपन में कलकत्ता में जब रहते थे, तो जितने मेरे स्कूल फ्रेंड्स थे या आसपास में जो रहते थे मेरे, तो उनको हम घर पे बुलाते थे और मम्मी खाना बनाती थी अपने हाथों से, और हम सब फ्रेंड्स को घर पे बुला के मम्मी के हाथों से जो मम्मी बनाती थी वो खाना खिलाते थे, और सब हमको गिफ्ट देते थे। और उस टाइम पे, तो उस ज़माने में हमको क्या गिफ्ट मिलता था? पेंसिल बॉक्स और टिफ़िन बॉक्स और वाटर बॉटल। उसी से इतनी खुशी मिलती थी कि जो आज किसी भी बड़ी चीज़ों में भी नहीं मिल पाती है। और इनफैक्ट मुझे याद है कि कोई कोई वो पेंसिल बॉक्स लाते थे जिसमें एक सेक्शन बना होता था अलग से, जिसमें आप इरेजर रख सकते हो, बेबी बेबी बेबी, इरेजर रख सकते हो, और एक शार्पनर का भी सेक्शन होता था। वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती थी, बट जो भी फ्रेंड वो लेके आता था तो वो मेरा फेवरेट फ्रेंड बन जाता था, क्योंकि उस टाइम पे इतना कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, तो अगर मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस साल इसके बर्थडे पे मैं सबके लिए खाना अपने हाथों से बनाऊँ, एटलीस्ट इतना तो मैं कर ही सकती हूँ बेबी के लिए। तो मैंने ये रातों रात प्लान किया है, कल उसका बर्थडे है एंड आई डोंट नो कि मैं कैसे कर पाऊँगी। मेन्यू मैंने सोचा है जो कुछ इस तरह से है कि स्टार्टर में अलावा चाट काउंटर, जिसमें पानी पूरी, भेलपूरी, सेव पूरी, दही पूरी रहेगा, और ये सारी चीज़ें मैं बनाने वाली हूँ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, केक के साथ समोसा और चिप्स नहीं मिले तो फिर कैसे मज़ा आएगा। हम जब भी बचपन में किसी के बर्थडे पे जाते थे, मुझे आज भी याद है, एक छोटे से प्लेट में कागज़ के हमको केक, एक समोसा, थोड़ा चिप्स और एक चॉकलेट मिलता था।
तो वो मुझे चाहिए कि मैं चिप्स नहीं बना सकती, बट हाँ समोसा तो मैं ज़रूर बनाऊंगी, केक भी मैं बना रही हूँ, और उसके साथ साथ खाने में मैं बनाने वाली हूँ वेज कोल्हापुरी और मलाई कोफ्ता करी और पंचमील दाल, जीरा राइस और पराठा, एंड डेजर्ट में मिलने वाले हैं गरम गरम रसगुल्ले और गुलाब जामुन खीर एंड सम पान आइसक्रीम में भी, क्योंकि मेरे घर में पान का पौधा है तो मैं सोच रही हूँ पान के पत्तों से मैं पान आइसक्रीम बना लूँ। सो ठीक है, लेट्स स्टार्ट देन क्विकली। कल मैंने सब शॉपिंग कर ली है, सामान ले लिया है, और ये देख सकते हैं आप, ये पूरा सब जगह पे सामान फैला हुआ है, बर्तन निकल चुके हैं, और अब मैं शुरू कर रही हूँ अपना काम। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ आलू से, क्योंकि आलू सब चीज़ में चाहिए, पानी पूरी में चाहिए, समोसा में चाहिए, एंड या और भी चीज़ों में चाहिए। सो सबसे पहले मैं आलू से शुरू करने वाली हूँ, एंड विश मी लक ताकि मैं सब कुछ ठीक से कर पाऊँ, एंड आई होप कि सबको मेरा बनाया हुआ खाना अच्छा लगे। ओके एंड आई सी यू गाइस, एक्साइटेड। सो अभी हम आलू, मेरे को एक्चुअली ऐसा है कि आलू उबालने से पहले ही मैं छील के काट लेती हूँ, क्योंकि मुझे बाद में वो हाथ से निकालना पसंद नहीं है, वरना लोग इसको उबालने के बाद भी छिलका निकाल सकते हैं, बट दिस इज माई स्टाइल, क्लीन आलू। कैसा जा रहा है पूजा? जैसे तुमने सबको बताया कि तुम अपने बाबू के लिए सारी चीजें अपने हाथों से बनाओगी, पर बेचारा वो ही नहीं खा पाएगा। हाँ बट जब तुमने मुझे ये मेन्यू बताया तो मैंने बोला, जब पूजा ने बोला कि ये बना रही, वो बना रही, ये बना रही है, तो मैंने बोला ये सब होगा कैसे। तो हमें वो अंदाज अपना अपना मूवी का वो सीन याद आ गया जहाँ पे आमिर खान इसके लिए आपको अपना घटिया सैलून बेचना पड़ेगा। अरे बेबी बेबी, मम्मी की अभी वो 8-10 जो किटी के आएंगे ना मूवी है, चलेगा। अरे क्या कर रही हो तुम? पहली बार बना रही हूँ सब, मेरे को क्या पता कैसा बनेगा, मतलब समोसा पहली बार बना रही हूँ, समोसे बनाने चटनी बना के लाई चलो ठीक है सर, मैदा और काजू किशमिश कटिंग चल रही है और नमक लगा रही, और ये चिल्ड पानी है, इसको फ्रीजर पे रखा गया था। तो अभी हम समोसा बना रहे हैं, ये समोसे का मसाला है आलू का जो अंदर का फिलिंग वो बन रहा है। दिखने में और खाने में जितना टेस्टी और आसान होता है, बनाने में उतना ही टाइम और मेहनत लग रही है। कभी बनाया नहीं है, खाया है बहुत, पहली बार बना रही हूँ, होपफुली अच्छा बने, खुशबू तो अच्छी आ रही है, पता नहीं, लेट्स सी। ये कौन सा तुम्हें देखी कर ले, शिट डोंट लाफ, व्हाट डिड यू डू, ये क्या किया, ये क्या किया, तुम भी
भी बना रहे हो खाना कल के लिए? क्या बना रहे हो? शिट, पापा को दिखो। I was helping mama. चलो ये परफेक्ट समोसा बन गया है, तो मन गया बाबू को ये चॉकलेट पसंद नहीं, इकलौता ये चॉकलेट वो खाता है। Happy birthday. Happy birthday! Thank you, बोलो। बस 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 बैठो बैठो बैठो, पूजा करो पूजा, लक्ष्मी पूजो, पूजा करो लक्ष्मी पूजो, आज के शोना पूर्णिमा, आज के शरद पूर्णिमा। मतलब अभी कितने बज रहे हैं, क्या बज रहा है, टाइम क्या रहा है? अभी बज रहे हैं 4:44 हो गए, 4:45 बजे। अब तक मेरे दाल में तड़का पर बाकी है, सब्जी और लोग जाने। एक बार में मलाई करी बना चुकी, कोफ्ता मलाई एक कढ़ाई बन चुकी है, क्योंकि मेरे पास इतने बड़े बर्तन भी नहीं, इसलिए दोबारा वापस उसकी ग्रेवी बना रही हूँ। कहाँ से, वेयर डू यू ऑर्डर फ्रॉम, बिकॉज एवरी टाइम यू आर गोबी हाउ इज नॉट। नहीं मैं तो ले आई हूँ, मतलब अब मैं लेके आई हूँ गोभी खरीद के बाजार से। गोभी प्लीज, गोभी का कोई ब्रांड थोड़ी होता है। तुम्हारे बेटे का नाम भी है ना, वन ऑफ द नेम्स ऑफ यू कॉल आउट टू हिम, यस गोभी पराठा, ही इज माय गोबू। और मैंने को मलाई कोफ्ता करी बनाया है, वहाँ पे रखा है, आइए बताती हूँ। बट अब ये सेकंड राउंड ऑफ ग्रेवी बना रही हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे कोफ्ते बचे हैं और मेरे पास बर्तन नहीं है ज्यादा बड़ा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दो बार में बनाना पड़ रहा है। ठीक है, इसको वापस ढक देते हैं हम एक सेकंड। बट ये जो तुम्हारा जो टोप है जर्मन का, ये इसमें हमेशा ऐसी अक्सर चीजें बनती है, ऋषि की भाजी। अब ये आई मैं बताती, ये सारे बच गए हैं कोफ्ते और पूजा आपके जयपुर जाओ तो मेरे घर जाना पक्का, मम्मी को यही बोल रही। ये कोफ्ता बन चुका है करी, बट अभी ऑब्वियसली और भी बने हैं तो। और ये आया है स्पेशल रसगुल्ला, गुड़ के रसगुल्ला, ये बंगाली रसगुल्ला है, सबको खिलाने वाले हैं। बस अब थोड़ी देर और पीछे देखो, कुछ दिख रहा है मुझे, वो हमारा वो डेकोरेशन शुरू है ऑलमोस्ट। ये देखो किशोर की दादी यहाँ समोसे तल रही हैं किशोर के बर्थडे पर, और बाहर सब लोग जो है
पानी पूरी चेप रहे हैं। देखो इधर देखिए आप कैसे बना रही हैं आप समोसे। वेरी गुड, बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। और समोसे तो मेरी बहू ने बनाए हैं। अच्छा, मैं खाली तल रही हूँ उसको, फ्राई कर रही हूँ। ओह अच्छा अच्छा जी, ये हमारी बहू ने बनाया। मतलब फिलिंग विलिंग सब आपकी बहू ने किया है? अच्छा, बहू ने मसाला वसाला बना के भर दिया है। अच्छा, सासू जी खाली तल रही हैं। ओह वेरी गुड, सासू जी बहुत अच्छी है। बोली सासू माँ को अभी भगवान ऐसी सासू किसी को नहीं दे। चलिए मम्मी का काम खत्म हो गया है और पापा का शुरू हो गया है। पापा चाट वाला क्या बना रहे हो आप? सेव पूरी, नॉट बैड। कैसी लग रही है पानी पूरी सबको? अच्छी है, थैंक यू। मैंने बनाई, बहुत ही बढ़िया। वाह, मामी ने बोला है बहुत बढ़िया, तो बढ़िया ही बना होगा। खाइए खाइए सब। बुआ एंजॉय कर, पानी पूरी वाली बन गई है आज। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है पानी? बहुत ही मस्त। कैसा, तू क्या खा रही है? सेव पूरी। हाँ चलो, मेरी मेहनत सफल हो गई, सबको अच्छा लग रहा है और अब मैं भी और इंतजार नहीं कर सकती। मैं भी पानी पूरी खाने वाली हूँ और सेव पूरी भी खाने वाली हूँ, सारे चाट टेस्ट करूँगी। भैया मेरे लिए भी लगाना एक प्लेट। मुझे मीठी ज्यादा, तीखा कम। फाइनली पार्टी स्टार्ट हो गई है और दीदी भी गरबा कर रहा है। और अभी भी मेरा पति बाहर पानी पूरी के काउंटर पे है, सब बहुत खाना खा रहे हैं। यम यम यम। चलो और तुम क्या खा रही हो? पानी पूरी कहा है, कैसा है? थैंक यू, बेस्ट पानी पूरी। करनी है आज बर्थडे पे। भी नहीं है ना, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है मेरे? क्या हो रहा है? Happy birthday!
अब हम जा रहे हैं स्नेहा सदन, जो कि स्नेहा सदन प्रेम सदन बहुत सारे होम्स है मदर टेरेसा के बॉम्बे में, और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे और बच्चियाँ रहते हैं। तो हमारा रिचुअल है मेरे बर्थडे पे, कुणाल के बर्थडे पे या फिर बेबी के बर्थडे पे हम जाते हैं। ऑफ कोर्स बेबी का सेकेंड ही बर्थडे है एंड लास्ट ईयर वॉज हिज फर्स्ट बर्थडे, तो वो उस दिन ही गया था, बट क्योंकि मैंने कल खाना बनाया था मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, तो आज मैं बेबी को लेके जा रही हूँ स्नेहा सदन एंड वी विल सेलिब्रेट देयर विद द गर्ल्स। बेबी स्लीपिंग, बट ठीक है बेबी के लिए सब गाने वाले हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, शायद वो सुन के उठ जाए, बट इट्स ओके, बेबी नीड्स एवरीवन ब्लेसिंग। खुश खुश हैप्पी बर्थडे तुम्हारा। हाँ का बर्थडे आज कंप्लीट हुआ विद दिस रिचुअल।